हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन वन टू ऋतु अकेडमी स्वागत है आप सभी का तो आज हम बात करने वाले हैं एच का जो लेक्चरर की रिक्वायरमेंट निकली थी थोड़े टाइम पहले तो उसके फॉर्म में कुछ करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया है नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार क्या है उससे पहले लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो वीडियो के डिटेल्स एक बार कवर करते हैं इट इज़ हैव अनाउंस्ड फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अपलाइड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर इन वेरियस एंड फॉरमेन इंस्ट्रक्टर इन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा हरियाणा में जो लेक्चर की और फॉर्मैन इंस्ट्रक्शन की पोस्ट के लिए आपने जिन्होंने फिल किया था जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर इलेवन ऑब्लिक टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो दस बारह दो हजार इक्कीस को पब्लिश हुआ और फिर एंड फॉलोड बाई द अनाउंसमेंट डेटेड उनतीस बारह दो हजार इक्कीस ठीक है एंड द कॉरेजेंडम डेटेड अट्ठाईस एक दो हज़ार बाईस दैट द कमीशन हैज़ ऑबजर्व दैट मैनी कैंडिडेट्स हैव नॉट फिल्ड अपर डिटेल्स रिगार्डिंग दे आर मार्क्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय दैम तो करेक्टली आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल नहीं किया मार्क्स जो है फिल नहीं कर रखे

टू मेक नेसेसरी करेक्शन इन द कॉलम रिलेटेड टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कॉलम में जो है करेक्शन जिसने करनी है वो कर सकते हैं अट्ठारह तारीख से शुरू हो जाता है और ये लास्ट डेट इसकी तेईस दो तक होगी अट्ठारह से तेईस तक इनकेस वेयर द मार्किंग ऑफ द बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हैज़ बीन डन ऑन द परसेंटेज स्केल पे किया गया है जो एप्लीकेशन टू मेंशन देयर टोटल मार्क्स ऑफ फॉर द कोर्स एंड मार्क्स अगेंस्ट ईच एग्जामिनेशन वेरी क्लियरली एंड आल्सो अपलोड द मार्कशीट एंड देयर डिग्री सर्टिफिकेट दोनों साइड से करना है मार्कशीट को भी अपलोड और डिग्री सर्टिफिकेट को भी अपलोड और जो टोटल मार्क्स आपके बनते हैं आपको वो डालना है अगर आपका सी जी पी ए का केस है तो कैंडिडेट्स कैंडिडेट है टोटल सी जी पी ऑफ द कोर्स टोटल सी जी पी ए कितना बनता है जो सी जी पी एपटेंड किया

तेईस uh, फरवरी uh, शाम को तीन बजे तक अगर आपने करेक्शन नहीं किया तो आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा इट इज क्लैरिफाइड दैट द अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज बिंग गिवन ओनली टू द कैंडिडेट्स देंडिडेट ऑलरेडी सबमिटेड सब्मिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब अब कोई फ्रेश फॉर्म को uh, नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा सिर्फ uh, उन्हीं को uh, मौका मिल रहा है जिन्होंने ऑलरेडी फिल कर रखा है बस वो करेक्शन के लिए फॉर्म ओपन हो रहा है ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड टेलीग्राम uh, चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना थैंक यू एवरीवन